दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RD Education। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई स्कीम की जानकारी लेकर आए हैं और ये स्कीम है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2024 के बारे में। क्या है ये योजना, क्या क्या इसके लाभ हैं, इसके ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस योजना को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा नागरोदय मिशन के उद्घाटन समारोह के दौरान की गई थी। उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाएगी, जिसका अर्थ यह होता है कि लाभार्थी को कोई भी गारंटी ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक को नहीं देना होगा। इस योजना की एक खास बात और है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में। एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को बिना किसी गारंटी के सरकार द्वारा लोन दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे। इसी के साथ सरकार द्वारा लोन पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी तथा प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस योजना की बेसिक डिटेल के बारे में। दोस्तों इस योजना का नाम है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी। इसके लाभार्थी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और इसका उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए प्रदेश के नागरिकों को प्रोत्साहित करना। इसकी वेबसाइट जल्द ही लॉन्च की जाएगी और आप इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से बैंक सम्मिलित हैं। तो इस योजना में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, यूको बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, करूर व्यस्य बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक इस योजना में सम्मिलित हैं। चलिए बात करते हैं इस योजना के लाभ एवं विशेषताओं के बारे में। तो इस योजना को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना का शुभारंभ 13 मार्च को नगरोदय मिशन के उद्घाटन समारोह के दौरान किया गया था। 2021-22 के वित्तीय बजट की घोषणा के दौरान भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध ऋण पर लाभार्थी को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ऋण पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। प्रदेश के नागरिक इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। केवल प्रदेश के बेरोजगार नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रावधानों के बारे में। तो इसमें नंबर 1, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक द्वारा न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो इस स्थिति में उसकी पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरण आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। केवल वही आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर ना हो एवं राज्य या केंद्र सरकार के किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हों। इस योजना की मोरटोरियम अवधि 7 वर्ष की रहेगी। इस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण यानी कि लोन खाता NPA बना रहेगा। इसके लिए कोई भी ब्याज अनुदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सरकार द्वारा ब्याज अनुदान की राशि वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी। इस योजना की गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरटोरियम अवधि सहित दी जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में। तो इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि इस योजना में आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उद्यम क्रांति योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलेगा। होम पेज पर आपको आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपना पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, संबंध, संबंधित नाम का वर्ग, बाकी डिटेल डालनी होगी। अब आपको प्रोफाइल बनाए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जाएगा। आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वहां पर अपलोड करना होगा और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के बारे में जानकारी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लोन की गारंटी सरकार द्वारा बैंक को प्रदान की जाती है, जिसका अर्थ यह है कि लाभार्थी को कोई भी गारंटी ऋण लेने के लिए बैंक को नहीं देनी होती। और इस योजना की एक खास बात यह भी है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को लोन पर ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।